दोस्तों ये कार मिल गया मुझे। अब देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है उधर सनैया में खड़े खड़े। हाँ तो दोस्तों सारे लोग आके बैठ गए। तो देखो दोस्तों सेवई है, चना है, पकौड़ी, पापड़, रुआबजा। देखो हमारा सदीक भजिया तल रहा है। तो ये अभी जा रहा है तिलौड़ी छन्ने, यही मुझे गाड़ी चलाना सिखाए थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सारस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ तो दोस्तों रात के 10:30 हो रहा है और मैं इधर आया हूँ सनैया में। हो सकता है अभी मेरा कार मिल जाए छोटा वाला। तो दोस्तों ये कार मिल गया मुझे, देख लो कितनी गंदा हो चुका है। तो दोस्तों इस कार में बैठ के अभी अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कौन सा कार में बैठ के नीचे जमीन पे। हाँ तो दोस्तों देखो ये कार 2012 मॉडल है, अभी टाइम बिगड़ा है तो अपना जिस दिन ये मैन्युफैक्चर हुआ है उस दिन का टाइम बता रहा है। और पेट्रोल खत्म हुआ है तो यहाँ से मैं डलवा लेता हूँ, पैसे लिया था मैंने कपिल से। तो देखो 2012 का अपना टाइम बता रहा है, ये पूरा अभी सेटिंग बिगड़ा हुआ है, मैं टाइम अभी सेट करूंगा थोड़ी देर में। अभी तो कार लेके मैं निकल आया, चला आया, इधर जा रहा हूँ बैंक वाली मैडम का कुछ काम है, बाकी पेट्रोल डलवा लेता हूँ। 50 रियाल दिया है कपिल ने, देखो 2 रियाल 21 पैसा है, 91। हाँ तो दोस्तों 50 रियाल का डलवा रहा हूँ मैं वहाँ से, बाकी देखते हैं अब कितने किलोमीटर ये चलता है। तो दोस्तों 50 रियाल के पेट्रोल में अभी 200 ही बता रहा है, पहले तो 300 बताता था, अभी 200 किलोमीटर ही बता रहा है, पता नहीं क्यों। देखो पूरा आधा है, आधा टंकी फुल है। हाँ तो दोस्तों आ गया मैं कपिल के घर के बाहर, अब देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है उधर सनैया में खड़े खड़े। ये देखो ग्रीस वगैरह सब लगा रखे हैं इधर, इसको साफ करना पड़ेगा। देखो सीट पे भी लगा रखे हैं। बाकी टायर तो सही है अभी, चलो ये मिल गया गाड़ी। करीब 7,000 रियाल इसमें खर्चा हुआ, 7,000 रियाल इंडिया का 1.5 लाख रुपया तक हो गया। इसको साफ करना पड़ेगा मुझे ही। तो देखो दोस्तों रात के 11:20 हो रहा है, ठंडी बहुत ही लग रहा है। इसमें अभी सामान पहुंचाना है इसके फैमिली के घर पे, तो ये सामान पहुंचाना है इसके ससुर के घर पे बैंक वाली के, बाकी वहां से जाना है ब्यूटी पार्लर में, वहां से कुछ मंगवाएगी ब्यूटी पार्लर से पाउडर वगैरह क्रीम वगैरह। तो चलता हूँ पहले ये पहुंचा देता हूँ। वो मुझे दिए हैं सूप, देखो इतना सारा भर के, कौन पिएगा पता नहीं। तो देखो दोस्तों इस घर में आया था मैं 2-3 दिन पहले ही आया था, तो इस घर में ही देना है ये फिर से, अभी रमजान भर खूब भेजवाएगी सामान, उसके बाद इधर पूछती भी नहीं है अपनी ससुर को सास को। ये वही है जो लेके आया था 150 रियाल का खरीद के, देख रहे हो गेट है इधर और बेल लगा रखे हैं उधर। हाँ तो दोस्तों दे दिया मैं, अब मैं चलता हूँ उधर ब्यूटी पार्लर में। तो देख लो दोस्तों ये है यहाँ का ब्यूटी पार्लर, यहाँ पे साबुन देखो 17-17 रियाल का, अमेरिका का, कहाँ कहाँ का साबुन है। तो ये एक साबुन लेना था और एक ये क्रीम, ये देखो ये साबुन, लाइफबॉय भी है। हाँ तो दोस्तों ले लिया, एक साबुन है और एक क्रीम है,
दोस्तों देख रहे हो, एक घंटा से ये मीटर 200 पे ही अटका हुआ है, मतलब अनलिमिटेड ये चलेगा पेट्रोल। देखो पूरे 12 बज गए, 10 बजे से लेके 12 बज गए, इधर उधर घूम लिया मैं, कहाँ कहाँ चला गया, अभी तक 200 पे ही अटका हुआ है उसका मीटर। तो आ गया मैं कपिल के घर के बाहर, ये दे देता हूँ, फिर रूम के लिए निकलता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों रात के 12:08 हो रहा है, मैंने दे दिया वो सामान, अब मैं चलता हूँ अपने रूम के लिए। तो देख रहे हो दोस्तों 10 किलोमीटर और बढ़ गया, 210 किलोमीटर हो गया, अब 210 किलोमीटर चलेगा। चलो सही है, बढ़ता जाए और बढ़े। वो बड़ी वाली कार लेकर तो मैं परेशान हो गया था, 50 रियाल का पेट्रोल, समझो सिर्फ ये 120-130 किलोमीटर चलता था, दो दिन में ही ख़त्म हो जाता था। और कफील इतना पागल, उसको नहीं समझना चाहिए कि बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी में फ़र्क होता है, मेरे ऐसे झंझट कर रहा है कि कैसे दो दिन में ख़त्म हो जा रहा है, पहले वाला गाड़ी तो एक हफ्ता चलता था। अरे बेवकूफ़, वो 8 सिलेंडर का, ये 4 सिलेंडर का, फ़र्क नहीं है दोनों में। एकदम ये लोग एकदम बखीले होते हैं, एकदम पूरा अपने मन से हिसाब किताब लगाते नहीं हैं और भगते रहते हैं कुछ भी। मैं अपने रूम पे, करीब 10 दिन से ये गाड़ी यहाँ पे नहीं था, अपने जगह पे फिर से खड़ा हो गया। The next day. हाँ तो दोस्तों अभी शाम का 5:30 बज रहा है और आज दावत है मेरा सिराज के रूम पे। सिराज को तो जानते ही होंगे आप, मेरे अबू जहाँ पे 20 साल से रहते थे और मैं जहाँ पे 4 साल रहा, मेरा पहला रूम जो सऊदी में आने के बाद जो मेरा पहला रूम था वहीं पे आज दावत। तो सिराज ने कल रात को ही फोन करके बोल दिया था कि आज का इफ्तारी का दावत है, तो अभी मैं जाऊंगा, बाकी दिखाऊंगा क्या क्या है उधर इफ्तारी में, क्या क्या तैयारी हो गया, कुछ काम रहेगा तो अभी करवा दूंगा। तो चलो अभी मैं चलता हूँ सिराज के रूम पे, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलो मिलते हैं सीधे सिराज के रूम पे। तो देखो दोस्तों पहुँच गया मैं सिराज के रूम पे और देखो ये इरफान की गाड़ी है, इरफान पहले से ही पहुंचा हुआ है। तो चलो अभी देखते हैं, कोई काम वगैरह होगा तो मदद करवा देते हैं। तो देखो दोस्तों ये रहा हमारा अड्डा, यहाँ वीडियो बनाया करते थे, और रहा सिराज। और सलाम अलैकुम। देखो हमारा सदीक भजिया तल रहा है, पकौड़ी तो आधी कुल बंद कर रेडी किया हुआ है, अभी मीठी पकौड़ी बाकी है, देखो गुलगुली अंडा अभी अंदर जाके देख के ना, कुछ सजावा है इतना पूरा रहेगा रेडी। देखो अंदर ये सजाया जा रहा है। अरे हो सलाम अलैकुम। नहले 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 बैठो। हेलो इरफान, अब इरफान आप जहाँ कम है वही डाल दो, मेरा चाकू इरफान लेते हो मुरा। देखो हमारे सुपर देखो हमारे सुपर स्टार इरफान भी इधर पहुंच गए हैं, और ये सुपर स्टार सिराज देखो अभी फुलगुली बनाने जा रहे हैं। तो देखो सिराज पकौड़ी बना लिया, गुलगुली बना रहा है इधर, मीठी पकौड़ी बहुत ही जल्दबाजी में है, और मैं इधर प्याज काट रहा हूँ, मिर्चा काट रहा हूँ अंडे में डालने के लिए। तो ये अभी जा रहा है तिलौड़ी छनने। क्या बोलते हो तुम, तिलौड़ी? हाँ तिलौड़ी क्या है? तिलौड़ी है। ये तिलौड़ी है, देखो 5-6 सालों में सिराज तो सब सीख ही गया है। टिकटॉक वाले ऑडियंस पूछते हैं कि तुम्हारा सिराज सदीक किधर गया। तो देखो इतना सारा हो गया तिलौरी, अब ये जा रहा है पहिया वाला गया, और ये देखो पहिया बन गया माशाल्लाह। तो देखो दोस्तों सेवई है, चना है, पकौड़ी, पापड़, गुलाबजा, देखो ये मामा बैठे हैं, यहीं पे था मेरा अबू का जगह। तो देखो दोस्तों सिराज अपना बर्तन धो रहा है,
यहीं पे टिकटॉक बनाया करता था सिराज। हाँ तो दोस्तों सब लोग आना शुरू कर दिए हैं। देखो अपना चौरासी भाई 6:18 हुआ है, अभी 10 मिनट बाकी है। तो दोस्तों मैं यहाँ बैठा हूँ, देख रहे हो, देखो ये ताव आए हैं, यही मुझे गाड़ी चलाना सिखाए थे। तो देखो ये हमारे 84 भाई, पुराने मित्र आप लोग तो जानते ही हो, टिकटॉक फ्रेंड। हाँ तो दोस्तों 7:39 हो रहा है और पुराने दोस्त मिल गए थे, तो इफ्तारी करने के बाद भी आराम से अब बैठ के बात किए हैं उन लोगों ने, भी बात छिड़ गया था तो इतना टाइम निकल गया। अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम के लिए।